हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पम्मी, पम्मीज लाइफ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये मैं लेके आई थी एक दिन अलमीरा में टांगने वाले ऑर्गेनाइज़र। तो ये इसको बना के और अलमीरा में टांग दिया है इस तरह। ये थोड़ा सा लंबा था, मैं दो लेके आई थी और दो के तीन बन गए ये, क्योंकि ये अलमीरा में स्पेस थोड़ी थी और ये लंबा था, इसलिए ये इस तरह दो तीन बन गए हैं। ये दो दो खाने वाले तो ये मैंने बना दिए हैं। तो आज करी थी हमने बालकनी की सफाई, तो जो ये झाड़ू पोछा करके जाती हैं हमारे मेड रखी हुई है जो, तो मैं तो खैर झाड़ू पोछा नहीं करवाती, पैड़ियों की सफाई करती है और सामने वाले जो फ्लैट है उनके पीजी बना रखा, लड़के रहते हैं उनकी सफाई वगैरह और बर्तन वगैरह जो भी है करती है ये। तो मैंने इसको ही आज बुला लिया था, तो इससे मैंने करवाई बालकनी की सफाई। कुछ ये बोरे लकड़ियों के भरे पड़े थे जब मैंने काम करवाया था, और कुछ ये गमलों में डाल मिट्टी लेके आई थी, एक बुरा वो भरा पड़ा है। तो ये मैंने बैक साइड में ऊपर रख दी है और ये सिलेंडर भी उठाकर ऊपर ही रख दूँगी, क्योंकि ये मैंने जाल लगवा रखा है बालकनी में तो काफ़ी सारी स्पेस निकल आई है। तो ये सारा सामान नीचे से उठा के सारा ऊपर रख दूँगी और अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के प्रवीण ने सफाई कर दी है, बहुत ही अच्छी तरह से काम बहुत बढ़िया करती है ये। और देखो काम करती है बेचारी, तो त्यौहार के दिन है तो इनको भी ये होता है किसी के काम करके चलो दो पैसे बन जाएंगे। तो दोस्तों इसने कर दी सफाई, जो ऊपर वाला सारा ये सामान था मैंने अच्छी तरह से झाड़ पोंछ के लगा दिया है, और ये सिलेंडर वगैरह भी ऊपर लगा दिए है, और ये सारा नीचे वाला सामान सारा ऊपर रख दिया है। और ये बालकनी तो होगी साफ, जाले वगैरह उतार दिए थे मैंने जो भी ये कदा लगा था, और यहाँ के कर्टन वगैरह उतार के मैंने धो दिए हैं। और ये कर्टन मैं इस तरह बांध के धोती हूँ दोस्तों, आप भी ऐसे ही धोते होंगे, क्योंकि इनके रिंग निकल जाते हैं जब ये वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, तो इनको अगर बांध के धोएंगे तो सही धुल जाएंगे। उसके बाद मैंने लंच प्रिपेयर किया, और लंच में बनाए थे राजमा और सिंपल रोटी थी। और फिर उसके बाद राजमा बना के, ये सिंपल से ही राजमा बनाए थे क्योंकि नवरात्रों के बाद की बात है ये। और फिर उसके बाद ये लहसुन प्याज वगैरह तो घर पे था नहीं, फिर लेके आना था, तो शाम को गई थी मार्केट से लेके आई थी। तो टमाटर और हरी मिर्च और अदरक था उसके लिए बना दिए हैं, और ये बन गया है मेरा लंच। तो राजमा बन गए हैं और मैं आप फुलके सेक दूँगी, बच्चे खा लेंगे तो सारे खा लेंगे। और फिर उसके बाद हमने करी थी फ्रिज की सफाई। फ्रिज की सफाई गुड़िया देखो फ्रिज की सफाई कर रही है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ साझा कर देती हूँ, वीडियो बना ली थी मैंने। और अगर दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना होगा। सारे इसके जो पार्ट थे सारे बाहर निकाल के अच्छी तरह से वॉश कर दिए हैं, ऊपर वाला भी ये बॉक्स भी अभी साफ़ कर देंगे, और इसके जो अंदर ये मैट बिछे हुए थे वो भी अच्छी तरह से साफ़ करके सुखा दिए हैं। तब तक ये उस मैट सूखेंगे तब तक ये इसकी फ्रिज की सफाई हो जाएगी अच्छी तरह से। बहुत ही गंदा हो रहा था काफ़ी दिनों से, महीना है ये, एक डेढ़ महीना हो गया था साफ़ ही नहीं किया था। तो ये दोस्तों हो गई है फ्रिज की सफाई, और इसके मैट वगैरह अच्छी तरह से साफ़ करके बिछा दिए हैं। और सब्ज़ी वगैरह आज आपको पता ही है, मैंने बताया है कि ख़त्म हो रही थी सारी, तो आज मैं शाम को लेके आऊँगी सब्ज़ी वगैरह और फिर फ्रिज फिर भर देंगे। और ऊपर वाला बॉक्स भी साफ़ कर दिया था अच्छी तरह से, और ये जो किचन का सामान है वो पड़ा है थोड़ा सा, और इसमें थोड़ी सी वो पड़ी है आइसक्रीम। और यहाँ बाहर वाली बालकनी साफ़ करने गए तो वहाँ पे एक बटरफ्लाई बैठी थी बहुत ही प्यारी, और मैंने इसका वीडियो बना लिया, मैंने सोचा चलो आपके साथ भी साझा कर देती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी थी छोटी सी, और ये देखिए डर भी नहीं रही थी, मैं बिल्कुल पास जाके इसका वीडियो बना रही थी और फूलों के ऊपर बैठी थी, और
बहुत ही प्यारी थी ये तीन कलर की। और दोस्तों मैं जो क्लीनिंग कर रही थी तब उसका वीडियो पता नहीं कैसे स्किप हो गया, वो मुझे मिला ही नहीं। और फिर उसके बाद मैंने सफाई तो करवा दी थी उससे अच्छी तरह से, और ये गमले वगैरह ऊपर रख दिए थे सारे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।